गाइस बच्चे खुश हो गए। आज वीडियो बनाते हो? कहाँ वीडियो बनाते हैं, इनके तरह तरह सब्सक्राइब करूं, इसमें रिकॉर्डिंग होगा, उसमें वो रास्ता बताएगा। सो गाइस निकल पड़े हैं गाजीपुर से, तो अब हम चलेंगे वाराणसी की तरफ। वाराणसी से अपना रूट चेंज हो जाएगा प्रयागराज की तरफ। सो गाइस फ्रेश फील करना था तो पानी जरूरी था। सुबह से पानी एक बार ही पिया था तो बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा यार चलो जरूरी है पानी, अब रुकना ही चाहिए। मैं बहुत कम रुक रहा था, खाली 80-90 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बाद रुकता था 10-15 के लिए, वो भी किसी ढाबे पे नहीं या किसी शॉप पे नहीं, ऐसे हाईवे पर जाता था और निकल लेता था। क्योंकि मुझे पता है किसी ढाबे या शॉप पे रुक गया तो फिर बंदा 15-20 मिनट बैठ जाता है, और 15-20 मिनट करते करते हम बहुत लेट हो चुके हैं पहले ही। हालांकि हमें कोई काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि भाई टाइम से पहुँच जाऊँ, ताकि थोड़ा रेस्ट कर लूँ और ताकि सुबह मुझे निकलने में कोई परेशानी ना हो। भाई ये देखिए, ये है प्रयागराज का क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पे कौन लोग खेलते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। अंडर 14 अंडर 18 वो ये सब इनकी प्रैक्टिस चल रही है। हैं मतलब ये ग्राउंड है। अच्छा, ये सिलेक्टेड प्लेयर्स होते हैं? सिलेक्टेड नहीं, जो यहाँ पर जैसे क्लास वाल करते हैं उन्हीं का मैच चल रहा है। ओके जो यहाँ कोचिंग लेते हैं। ठीक है गाइस देखिए, यहाँ पे ये लोग बच्चे कोचिंग लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं फिर इंडिया खेलने के लिए। गजब। बोल क्या बोल। गुड इवनिंग गाइस, सत श्री अकाल, राम राम आदाब, क्या हाल चाल, कॉपी टू ऑल। हंस रही बेटा, हंसो तुम। बच्चे हंस रहे हैं, देखो दोनों बच्चे हंस रहे हैं। बेटा तुम्हारी वीडियो बन रही है, तुम कहा हंसो तुम बेटा। इनको हंसने देते हैं तो अबे फिर हंस रहे हो, बोलने तो यार। बेटा बैठ जा। बच गए सारे। सो गाइस आज हमें प्रयागराज में, तो आज कल पटना से यहाँ पहुँच गए थे 4 बजे, उसके बाद बस वीडियो एंड करने का वक्त ही नहीं मिला, उसके लिए गुस्ताखी माफ चाहता हूँ। प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करो यार, फर्स्ट ब्लॉग मोटो ब्लॉग है, फर्स्ट राइड है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, कभी कभार भूल जाता हूँ, तो उसमें आप प्लीज़ कोऑपरेट किया करो। आज नहीं, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। भाई बोलते हैं आज तू रेस्ट करेगा, कल तेरे को जाने दूँगा। तो कल सुबह अपन निकलेंगे 4:30 बजे दिल्ली के लिए, ठीक है जी, जो कि है यहाँ से 671 किलोमीटर। उसके बारे में हम कल सुबह बात करेंगे जब निकलेंगे। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? अभी हम चल रहे हैं गंगा जी के किनारे, गंगा जी के दर्शन करेंगे, संगम जहाँ होता है गंगा जमुना सरस्वती, देखेंगे अगर वहाँ जा सके तो। बोटिंग चलती हो रही हो और चल रही होगी तो वहाँ जरूर जाएंगे, नहीं तो खाली गंगा जी के दर्शन करके आ जाएंगे। जितना भी आपको दिखा सके दिखाएंगे, और अपना कुछ आपको प्रयागराज की मार्केट की झलक दिखाएंगे, जो मैं तो देख चुका हूँ। और यहाँ का ट्रैफिक, यहाँ की पब्लिक, यहाँ पे क्या क्या है वो तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन मार्केट लेके चलूँगा मैं। देखो मैंने ये चेस्ट माउंट भी अपना लगा लिया, और अपना इसको यहाँ पे अब कैमरा लगेगा, तो हम जाएंगे अपनी रफ्तार पे, तो कुछ दिखाएंगे आपको 10-15 मिनट की वीडियो में, जो भी हम दिखा सके मार्केट आपको दिखाएंगे, और गंगा जी के दर्शन भी करवाएंगे, तो चले। सो गाइस चलते हैं, कहाँ चलें पहले? गंगा जी की तरफ, पहले गंगा जी की तरफ चलें। चलो आ जाओ, फटाफट आओ, फट से आओ। अब निकल रहे हैं यहाँ से गाइस, देखते हैं कहाँ चलते हैं, पहले गंगा जी की तरफ। यहाँ बोलो किधर, राइट लेफ्ट? हैं बोलो कहाँ जाना है, बोलो। दुकान पे देखते हैं क्या हो रहा है, फिर उसके बाद चलते हैं गंगा जी।
मार्केट से होते हुए निकलते हैं। गाइस आपको दिखाते हैं प्रयागराज का बाजार, घना, जहां इतना ट्रैफिक रहता है कि बंदा बस ये कह लो कि अगर पार हो लिया तो समझ लो कि भगवान को पा लिया। क्यों जी, आज ट्रैफिक शायद मिले या ना मिले, लेकिन रात के वक्त या शाम के वक्त वीडियो बनाने का मजा है। क्यों जी, चलो देखते हैं क्या होगा। यहाँ की पवित्रता, ये तो वो तो गंगा जी है ना, कैसे जाने बोलो। अब गंगा जी के दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए। सो गाइस चलते हैं अब यहाँ से सीधा संगम घाट। रास्ते रास्ते ना जो मतलब नामी वगैरह मतलब फेमस चीज हो मैं दसदा जाए, ठीक है, क्योंकि आप अपनी पब्लिक नू सब दिखाते जावांगे, ठीक है ना, अपने फैमिली मैंबरस यूट्यूब फैमिली मैंबरस नू सब नू दसे जावांगे, ठीक है ना। सो गाइस थोड़ा सा मैं गुस्ताखी चाहता हूँ, माफ़ चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने भतीजे से थोड़ा सा ना पंजाबी में बात करने लगता हूँ, साथ में ही मेरे। तो अभी अपन निकल गए हैं यहाँ से, थोड़ा सा एंगल सेटिंग नहीं हो रहा है, तो गाइस उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या करो यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो वैसे तो बहुत अच्छा जा रहा है बट फिर भी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं यार, लेकिन आप सपोर्ट करना। फेमस होटल कौन सा वाला निकल गया, जासूस, वाओ फेमस होटल जासूस, जासूस नाम है और नाम है जासूस नाम है। सो गाइस सामने आप देख रहे हो अपना इंडियन फ्लैग, जय हिंद जय भारत। जब भी इसको मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर जो ना कह लो कि एक मोटिवेशन, एक कह लो कि अंदर मतलब कि मेरा रोम रोम ना बस यही कहता है, बस एक वो ना ताकत आ जाती इसको देख के। झंडे की बात कर रहा हूँ भाई, फ्लैग की बात कर रहा हूँ, आप फ्लैग को देखो। हाँ जी किधर, सीधा चलो भाई, चलते चलते अब ये है, मैं पहले आगे निकलो नहीं तो मेरा कॉन्सेंट्रेट खराब हो रहा था। यार थोड़ी बहुत मस्ती भी करनी चाहिए। कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से अपन लेंगे राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। चलो मेरे भाई, गाइस गाइस सनसेट का नजारा देखो, सूर्य देवता बस जाने ही वाले हैं, हमारे लिए रुके हुए थे क्योंकि हमने रिक्वेस्ट कर दी थी कि हम आ रहे हैं तो प्लीज आप दो मिनट रुक जाइए, तो वो रुक के अब जा रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि बाय बेटा कल मिलते हैं सुबह, अलविदा अलविदा, जय हो सूर्य देवता, कल अब सनराइज पे मिलेंगे इनसे। चले गए 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 चले गए। सरप्राइज आपने सनराइज देख लिया, तो हम चलते हैं। अरे यार ये कहां से, ये यहां से लेफ्ट। सरप्राइज आप आर यू रेडी फॉर ऑफ रोडिंग, सो गाइस आर यू रेडी फॉर ऑफ रोडिंग, चलो। अरे वाओ 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 वाओ, सो गाइस अभी यहाँ अभी ये जो देख, यहाँ क्रिकेट हो रहा है हमारे राइट राइट साइड में, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ है, अच्छा विराट कोहली यहाँ क्या करते थे अमिताभ। तो भी यार अंग्रेज है, अब बच्चा मजाक के मूड में है गाइस, देख लो चचा के साथ मजाक करोगे हैं। अरे भैया हमको जाए दो। अरे यार मैं जब यूपी बिहार में आ जाता तो मेरी बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने में, भैया लगे भी क्यों ना, पापा हमारे बिहार के हैं। ओए ओए, दादा हमारे बिहार के, मतलब आए तो पटना, मतलब क्या बोलते हैं गुजरात वाला से थे, लेकिन बहुत साल वो रहे
पटना में। तो कहाँ लेके जा रहे बेटा, सीधा क्या है? यहाँ नहीं, आगे से उधर जाना। कहाँ? अरे अरे अरे, फंस गए, ऑफ रोडिंग शुरू हो गए। गिरे, मरा। आमिर खान की फिल्म याद आ गई। अबे 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 अबे, वही बात हुई ना। उधर उधर लौटते पोटते पहुंच जाएंगे। बैठो। सो गाइस, इतनी मिट्टी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑफ रोडिंग के लिए आप रेडी रहो। अरे बेटा, आ गए तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं, चलते चलते चलो अब। अरे कहाँ? सो गाइस, पूछो मत आज क्या हो गया हमारे साथ। रुकना यार। गाइस, ये रास्ता था जो हमें सीधा लेके आ सकता था, लेकिन हमें पता नहीं लगा और हम वो घूम के तो इधर से निकले हैं। देखो इधर से निकले हैं, मतलब सारा रेतीला रास्ता था और ये सारे पे मतलब टीन पड़े हुए, बड़ा बढ़िया रास्ता था। और कैसे आए हैं आप, बीच में गीला रास्ता, एक्टिवा धस रहा है, सब हो रहा है और ऊपर से मजा भी बहुत आ रहा है। हंसी भी आ रही है सबको, और अपना एक्टिवा जब हंस रहे तो एक्टिवा निकल रहा है। बहुत यार, आज तो ऑफ रोडिंग का खूब मजा ले लिए। सीधा सामने रास्ता था, उधर मुड़े नहीं, पता नहीं लगा, और घूम के इतना आना पड़ गया कि क्या ही बोलूं यार मैं। यार चलो, ये भी एक एक्सपीरियंस था जो भगवान ने, गंगा मैया ने इम्तिहान लिया। और जैसे ही मैंने बोला कि गंगा मैया इतना इम्तिहान मत लो, बच्चे आप ही गए हैं, तो उसी समय हमको रास्ता नजर आ गया सामने। मतलब ये सही बात है, उसी समय रास्ता सामने नजर आ गया, नहीं तो मेरे को दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा था कि भाई कोई रास्ता है। हैं? अबे मरवाओ यार तुम, वही है। चलो उसे चलते, वो किला बोल रहा है सामने है, हम इधर रास्ते में आ गए उधर उस। अरे भैया, उधर से घूम के चलते ना बेटा। अच्छा, अब रास्ता मिल गया ना, अब शुक्र मनाओ और इधर से निकलते हैं। और हाँ, ये क्योंकि रात हो गई ना बेटा, और इधर है, उधर इधर है भी कोई नहीं, अकेले हम ये दोनों हैं। उधर से घूम के आते हैं उस तरफ जहाँ भीड़ है, एनर्जेटिक रहेंगे और साथ साथ क्या है कि मतलब अपने को हाँ फील रहेगा कि हम सेफ हैं। कौन है? मामा जी का फोन है। सो गाइस, अभी हम रास्ता पा गए हैं, ऐसा मतलब हमको मिल चुका है, अब वापस जाएंगे। और ये जो पुल देख रहे हो ना, ये जो पुल जा रहा है, ये पुल जो है उस पार करके हमको दूसरी तरफ जाना होगा। उधर है संगम घाट, अभी मिले थे तो उनको बोले चाचा बताओ, तो बता रहे हैं, तो चलते चलते हमको चाचा रुक जाओ यार, रुक के आराम से बताओ, तो फिर रुक के आराम से हमको बताए और समझा दिए। गाइस, यहाँ आरती हो रही है। गाइस, पंगा हो गया। लफड़ा हो गया। कोई लफड़ा हो गया? क्या होगा? देखा नहीं, बाबा जी आगे खड़े हो गए, आगे हॉर्न दे रहे, वो हट नहीं रहे। सो गाइस, अभी इधर चल के दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। अभी इधर चले मोड़ ले, इधर पूछना क्या है जो इधर चलते हैं कुछ। हाँ है, इधर घर है, इधर से चलते हैं, देखते हैं क्या है, नहीं तो घर चलते हैं, सेवा दौड़ के है ना। सो गाइस, रात होने के कारण ना हमें कुछ भी पता लग नहीं रहा है, इतना पता है कि गंगा घाट पे हम पहुंच चुके हैं, संगम घाट पे हम पहुंच चुके हैं। जो आप सामने देख रहे हो ना, ये आरती हो रही है, जो आप देख रहे हो गाइस।
तो मुझे गाड़ी वाले भाई साहब सामने खड़े हो गए, गलत कर दिया उन्होंने। अरे देखते जा रहे हैं यार। सो गाइस चल रहे हैं अब सिविल लाइन की तरफ। रास्ते में आपको दिखाते चलेंगे सब कुछ, और आप बताना देखना कि क्या मतलब पता लगता है कि अंतर पता लगता है कि हम मतलब आप बताना कि आप किसको प्रयागराज कहना चाहते हो। एक कोई अनावश्यक कार्य की वजह से हमने थोड़ा पॉज कर दिया था, कुछ भावनाएं और थी जो हमने जिसमें हम बहने वाले थे, लेकिन मैंने कहा पहले कैमरा बंद करूं, कोई बहते हैं भावनाओं में, तो हमने फीलिंग शेयर कर ली एक दूसरे के साथ। अब आपको ले चलते हैं बाजार मार्केट में। तो यहाँ पे एक राइडर स्टैचू है, तो वो दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा है, हैं? गोस्ट राइडर। अच्छा तो वो दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे, कहाँ पे रहा? अच्छा ये समुद्री जो डाकू होते हैं उनका है ना। गाइस वहां पे मैंने वीडियो बंद कर दी बिकॉज वहां पे गाने चल रहे थे, तो गाने चल रहे थे तो कॉपीराइट क्लेम में भी उसमें दिक्कत आती है हमको, कॉपीराइट आ जाता है, तो कॉपीराइट आ जाता है तो फिर वीडियो इतनी हमारी मेहनत जो होती है वो खराब हो जाती, बेकार हो जाती है। कॉपीराइट आ गया तो फिर उसका हमको कुछ फायदा नहीं होता, तो फिर हम क्यों डालेंगे, भावनाओं में बह जाते हैं, इसलिए कैमरा बंद करना पड़ता है बार बार। चलो अब हम चलते हैं, चलो गाइस अब चलते हैं अपने घर। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमने वीडियो बंद की थी, तो अब टेक्निकल इश्यू वो सॉल्व हो गया, कुछ अता पता था उसको सबको। तो ये बिग बाजार आ गया, नहीं बाजार कलकत्ता, अच्छा कोलकाता, कलकत्ता नहीं खत्म हो गया, कोलकाता आ गया। सो गाइस पहुंच चुके हम घर, लेट हो गए थे बहुत ज्यादा, गंगा जी के दर्शन करने गए थे लेकिन वो अच्छे से हो नहीं पाए, लेट हो चुके थे, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, अपने वीडियो में देख लिया होगा, मतलब संतुष्टिजनक काम हुआ नहीं, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, फिर बढ़िया से अच्छे से दर्शन करेंगे। संतुष्टिजनक दर्शन नहीं हुए, अच्छा मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा, जो सोच कर मैं गया था वो बात बनी नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा, टाइमली जाऊँगा और अच्छे से दर्शन करूँगा। तो फिर मार्केट भी गए, अच्छे से घूमे, बट जो मेरे मोबाइल का एंगल है वो सही, मैंने घर आके देखा वो सही ज़्यादा अच्छा नहीं आया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी वो चेस्ट माउंट मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था, तो जो है बाइक के लिए, बाइक राइडर के लिए, वो एक्टिवा राइडर के, क्योंकि एक्टिवा का जो आगे वाला हेडलाइट वगैरह वो ऊँची होती है, तो उसके चलते वो एंगल अच्छे से बन नहीं पाया, वो है बाइक के लिए एक्चुअली। तो